जय माता रानी की। माँ बगलामुखी साधना सर्वश्रेष्ठ महाविद्या साधना है। 10 महाविद्याओं में किसी भी एक महाविद्या की साधना कर लेने पर 10 महाविद्याओं की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। बगलामुखी साधना अनादिकाल से ब्रह्मास्त्र महाविद्या की सिद्धि के लिए की जाती रही है। यह बहुत ही दुर्लभ विद्या है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि तद विद्याम प्रवक्ष्यामि त्रिषु लोकेषु दुर्लभाम पुत्रो देयः शिरो देयम् न देया यस्य कस्यचित्। अर्थात यह विद्या इतनी दुर्लभ है कि भले ही पिता अपने पुत्र का सिर ही क्यों ना दे दे, परंतु इस विद्या को कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए। 10 महाविद्याओं में प्राकृतिक रूप से माँ बगलामुखी की कृपा से मेरा पूर्ण समर्पण भाव इन्हीं के चरणों में स्वतः ही हो जाता है। जब मुझे 10 विद्याओं के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन इन्हीं के चरणों में हमेशा लगा रहता था। इस प्रकार का समर्पण भाव होना माँ बगलामुखी की ही कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। 10 महाविद्याओं की सिद्धि हो जाने पर साधक देवतुल्य हो जाता है और फिर उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं रह जाता। बगलामुखी महाविद्या मुख्य रूप से स्तब्ध माया और मारण प्रयोग की महाविद्या है। इस विद्या का उद्देश्य सिर्फ बाहरी शत्रुओं को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी करना चाहिए। उच्च कोटि के साधक हमारी इस बात को अवश्य ही समझ पाएंगे। आप सभी ने कई बार ब्रह्मास्त्र महाविद्या के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही ब्रह्मास्त्र महाविद्या है जिसके प्रयोग से कोई नहीं बच पाता है। इस अस्त्र का कोई काट नहीं होता, सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र ही दूसरे के द्वारा प्रेषित ब्रह्मास्त्र को शांत कर सकता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के द्वारा अर्जुन को मारने हेतु जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर ही अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला करके, अर्थात अपनी ब्रह्मास्त्र महाविद्या को चला करके ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इस अमोघ अस्त्र की सिद्धि माँ बगलामुखी की साधना और उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। जिन भी देवी देवताओं के पास ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, उन सभी ने माँ बगलामुखी की साधना अवश्य ही की होगी। माँ बगलामुखी की साधना वैदिक रीति से करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले वैदिक रीति से ब्रह्मा जी ने इस साधना को संपन्न किया था और इसी साधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो पाए थे। ब्रह्मा जी ने इसी वैदिक रीति से अपने पुत्रों को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या साधना की विद्या प्रदान की थी। सनत कुमारों ने भी इस महाविद्या को नारद जी को प्रदान किया, फिर नारद जी ने भी इस विद्या को ऋषि सांख्यायन को प्रदान किया है। इस तरह से यह भी सिद्ध होता है कि गुरु परंपरा के द्वारा ही इस महाविद्या की साधना करना सर्वश्रेष्ठ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र बगला महाविद्या में प्रथम साधक ब्रह्मा जी हुए और द्वितीय साधक भगवान विष्णु और तृतीय साधक भगवान शिव हुए हैं। भगवान शिव ने इस ब्रह्मास्त्र महाविद्या को भगवान परशुराम को प्रदान किया था। भगवान परशुराम ने इस महाविद्या को द्रोणाचार्य को प्रदान किया और द्रोणाचार्य ने इस महाविद्या को अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी प्रदान किया था। भगवान परशुराम ने इस महाविद्या को कर्ण को भी सिखाया था। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु परंपरा के द्वारा ही इस साधना को करना सर्वश्रेष्ठ होगा। माँ बगलामुखी महाविद्या की सिद्धि मिलने के बाद षटकर्मों की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे स्तंभन शक्ति के बारे में कहें तो जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी की गति को भी मेघनाथ ने स्तंभित कर दिया था। यह सब इसी महाविद्या का प्रभाव था। दूसरा उदाहरण है, अंगद जब रावण की सभा में पहुंचे तो उनके पैरों को रावण जैसे महाशक्तिशाली तक ने हिला नहीं पाया, क्योंकि अंगद ने अपने पैरों को इसी महाविद्या के प्रभाव से स्तंभित कर रखा था। तीसरा उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ के वध करने हेतु भगवान सूर्य को इसी महाविद्या के प्रभाव से स्तंभित कर दिया था। चौथा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, यदि नहीं तो आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। आदि गुरु शंकराचार्य जी जिन्होंने चारों पीठों की स्थापना की है तथा सनातन धर्म की जिन्होंने पुनर्स्थापना भी की है, उनके गुरु जिनका नाम गोविंद पाद था,
एक बार वह गुफा में समाधि में बैठे थे और बाहर भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने का कारण रेवा नदी का जल था, परंतु आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के द्वारा प्राप्त इसी महाविद्या के प्रभाव से रेवा नदी के जल को भी स्तंभित कर दिया था, ताकि उनके गुरु की जो समाधि थी वह भंग न हो सके। अब आप इन बातों को सुनकर ब्रह्मास्त्र महाविद्या के प्रभाव से अवश्य ही अवगत हो गए होंगे और यह सब माँ बगलामुखी की साधना और उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से इस महाविद्या को अपने पुत्रों को परंपरा अनुसार प्रदान किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने भी इस महाविद्या को वैष्णव संप्रदाय में प्रवर्तित किया है। भगवान शिव ने भी इस महाविद्या को तारकासुर के वध करने हेतु अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रदान किया था। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या साधना में संपूर्ण अंगोपांग साधना करने का विधान होता है, जैसे कि स्तोत्र पाठ करना, कवच का पाठ करना, कीलक पाठ करना, शतनाम स्तोत्र का पाठ करना, मंत्र जाप करना, दीपदान इत्यादि। ब्रह्मास्त्र महाविद्या का प्रभाव इतना ज्यादा होता है तथा यह इतना विलक्षण है कि मनुष्यों की बात ही क्या। इसके प्रभाव से देवता, विद्याधर, सिद्ध, महासर्प, यक्ष, ऋषि, गंधर्व, नाग, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, इन सभी के प्रभाव को शून्य किया जा सकता है। इस महाविद्या के मंत्र की जाप की संख्या जो है कम से कम 1,00,000 है। कहने का तात्पर्य, यदि आपको माँ बगलामुखी साधना का पुरस्करण करना है तो कम से कम 1,00,000 मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी साधना में प्रयोग होने वाली समस्त वस्तुएं पीतवर्ण की ही होती हैं, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। कहने का तात्पर्य, माँ बगलामुखी की साधना में जो भी वस्तुएं आप प्रयोग करेंगे वह सब पीतवर्ण की अर्थात पीले वर्ण की होनी चाहिए। माँ बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध मंत्र 36 अक्षरों का है और इसी मंत्र का अनुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। लीम शब्द माँ बगलामुखी का एकाक्षरी बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र का प्रयोग करके देवता कृत्या का प्रयोग करके दानवों पर प्रहार करते थे। वैसे तो माँ बगलामुखी साधना बहुत ही गोपनीय है, परंतु फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी माता रानी की कृपा और उनकी आज्ञा से ही प्राप्त हो सकी है। आशा है आप इस रहस्यमय जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। माँ बगलामुखी हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे, पुनः अगले किसी वीडियो में माँ बगलामुखी के विषय में कुछ जानकारियाँ लेकर के आएंगे। जय माता रानी की।